नमस्कार, मैं विशांत और आप देख रहे हैं मोटर्स एंड मोर। और आज की इस वीडियो में हम लोग मेस्ट्रो एज 110 सीसी और 125 सीसी दोनों को चलाकर के बताएंगे कि ये स्कूटर्स प्रैक्टिकली चलने में कैसे हैं और इन पर आपको कैसा कंफर्ट मिलता है और साथ ही इनका इंजन, सस्पेंशन, ब्रेकिंग सिस्टम प्रैक्टिकली किस तरह से परफॉर्म करते हैं। और प्रैक्टिकली टेस्ट करने के बाद हम बताएंगे कि हमें स्कूटर चलाने में कैसा लगा है और हमारा इस पर फाइनल वर्डिक्ट क्या है, और अगर आप इसे खरीदने की सोच रहे हैं तो ये आपको कितने में पड़ने वाला है, और हीरो ने इसे कितने वेरिएंट्स के साथ लॉन्च किया है, और इसमें आपको क्या क्या कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं, ये सब जानने के लिए आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। और अब तक आपको ये अंदाज़ा तो लग ही गया होगा कि हम लोग किसी भी व्हीकल को किस तरह से चला करके देखने के बाद अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन टेस्ट ड्राइव करने से पहले एक बार इन दोनों ही स्कूटर्स के डिज़ाइन और फीचर्स को देख लेते हैं। और अगर मैं इनके डिज़ाइन की बात करूँ तो बेसिकली ये दोनों ही स्कूटर एक ही प्लेटफॉर्म पर बने हुए हैं, और दूसरा देखने पर ये स्कूटर सिमिलर ही दिखाई पड़ते हैं, बट फिर भी इन स्कूटर्स में कुछ छोटे मोटे बदलाव हैं। और अगर मैं आपको इनका फ्रंट डिज़ाइन दिखाऊं तो फ्रंट से देखने पर दोनों स्कूटर काफ़ी शार्प और एजेस दिखाई पड़ते हैं, और जैसे कि इसका नाम ही मेस्ट्रो एज है तो वो एज आपको इसके डिज़ाइन में हर जगह दिखाई देंगे। और एक जो चीज़ मैंने इसके डिज़ाइन में सबसे पहले नोटिस की है वो ये कि इन दोनों स्कूटर्स में एक वी शेप का यूज़ किया गया हर जगह पर, तो वो पहली वी शेप तो आप इसके वाइजर पर देखेंगे, फिर आपको इसके जहाँ पर नंबर प्लेट लगती है वहाँ पर भी एक वी शेप ही है, और नीचे भी सारे में इसमें आपको वी शेप का ही डिज़ाइन मिलेगा, और वो वी शेप डिज़ाइन आप इसके मरकार्ड पर भी देख पाएंगे। और यह सही दूसरे स्कूटर पे भी है, 125 वाले पे भी आपको ऊपर भी एक ये वी शेप, यहाँ पर भी ये वी शेप ही है, और यहाँ पर भी ये वी शेप ही है, और इसके मड गार्ड पर भी वही वी शेप इस पर फॉलो कर रही है। और अगर मैं डिफरेंसेस की बात करूँ कि इनके फ्रंट डिज़ाइन में मुझे क्या क्या डिफरेंस लगे हैं, तो जो सबसे पहला डिफरेंस मैंने इसके डिज़ाइन में नोटिस किया है वो ये है कि इसके जो मिरर का जो अंदर का पार्ट है वो ग्रे कलर का दे रखा है, और जो आपको ये 125 सीसी वाला स्कूटर है उसमें ये ग्लोसी ब्लैक कलर में दे रखा है। और जो दूसरा डिफरेंस मुझे इन दोनों स्कूटर्स में लगा है वो इनका ये विंडशील्ड है, यहाँ पर ये ब्लैक कलर की मिलती है, कि मतलब कि अगर आपका स्कूटर किसी भी कलर का हो ये आपको ब्लैक कलर की मिलेगी, और ये थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट है। और जो यहाँ पर ये 125 सीसी वाले स्कूटर की जो विंडशील्ड है वो आपको बॉडी कलर मिलेगी, मतलब कि जिस कलर का आपका स्कूटर होगा उसी कलर का आपका ये विंडशील्ड होगा। और जो तीसरा जो इसमें डिफरेंस है वो इसका ये नंबर प्लेट वाला डिजाइन है, ये यहाँ पर ये पूरा का पूरा वी शेप है। और अगर अब मैं इसके मटेरियल की बात करूँ तो ये यहाँ पे आपको रफ प्लास्टिक देखने को मिलता है, और वहीं अगर मैं आपको 125 सीसी वाला मेस्ट्रो दिखाऊं तो वहाँ पे जो इसका वी शेप का डिजाइन है इसमें आपको कॉर्नर्स भी देखने को मिलेंगे। और इसके मटेरियल की बात करूँ तो यहाँ पे ये आपको थोड़ा सा शाइनी प्लास्टिक दिया गया है, और अब इसके अंदर की एक खास बात भी है, यहाँ पे आपको एक DRS देखने को मिलते हैं जो कि आप जैसे ही इसके इग्निशन को ऑन करते हैं वो DRS जल जाते हैं। और अगर हम इसकी फ्रंट बैजिंग और ग्राफिक्स की बात करूँ तो जो 110 सीसी वाला स्कूटर है उस पर आपको बड़े बड़े ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे, और उस पर मेस्ट्रो की बैजिंग भी नहीं है, और वहीं 125 सीसी वाले स्कूटर पर वही आपको पुराने वाली बैजिंग देखने को मिलेगी। और पर्सनली मुझे इसकी जो पुराने वाली बैजिंग है वो देखने में ज़्यादा अच्छी लगती है नई वाली के मुकाबले। वैसे तो इन दोनों ही स्कूटर्स की हेडलाइट का डिज़ाइन सेम ही है, बट जब आप 110 सीसी वाले स्कूटर का इग्निशन ऑन करते हैं तो वहीं आपको इसकी हेडलाइट में दो अलग से ये पार्किंग बल्ब जलते दिखाई देते हैं, और वहीं जब आप 125 सीसी वाले स्कूटर का इग्निशन ऑन करते हैं तो उसमें आपको ये अलग से एक DRS जलते दिखाई देंगे, और ऊपर आपको कोई भी इसमें पार्किंग बल्ब नहीं दिए गए हैं। और इन दोनों ही स्कूटर्स की हेडलैम्प और फ्रंट इंडिकेटर्स में हीरो ने अभी भी हेलोजन बल्ब का ही यूज़ किया है, बट अगर हेलोजन की जगह LED बल्ब का यूज़ किया जाता तो ये थोड़ा सा और बेटर होता। और इन दोनों ही स्कूटर्स के फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया गया है जो कि आजकल सभी स्कूटर्स में दिया जा रहा है। और अगर मैं इनके फ्रंट ब्रेक की बात करूँ तो 110 सीसी वाले में आपको बस ड्रम ब्रेक का ऑप्शन मिलेगा, वहीं 125 सीसी वाले में ड्रम और डिस्क दोनों ब्रेक ऑप्शन आपको दिए गए हैं। और अगर अब मैं इन दोनों स्कूटर्स के लेफ्ट साइड के डिज़ाइन की बात करूँ तो लेफ्ट साइड से देखने पर दोनों स्कूटर काफ़ी शार्प दिखाई पड़ते हैं, और कोई भी ऐसा इनमें बड़ा बदलाव नहीं है। एक जो बदलाव है वो इनकी बैजिंग का है, जो आपको 125 सीसी वाला स्कूटर है उस पर आपको 3D बैजिंग मिलती है, वहीं जो 110 सीसी वाला स्कूटर है उस पर आपको जो बैजिंग दी गई है वो बड़े बड़े ग्राफिक्स के साथ दी गई है। और रियर में दोनों स्कूटर्स में काफ़ी बड़ा ग्रैब हैंडल दिया गया है जो कि स्कूटर के डिज़ाइन के साथ मैच भी करता है और होल्ड करने में भी काफ़ी कंफर्टेबल है। बट दोनों ही स्कूटर के रियर में जो डिफरेंस मैंने नोटिस किया है वो इनके टेललाइट का डिज़ाइन है, और ये दोनों ही डिज़ाइन देखने में अच्छे लगते हैं, और दोनों ही स्कूटर की टेललाइट में हेलोजन बल्ब का यूज़ किया गया है। मेस्ट्रो एज के रियर में एक खास बात ये भी है कि इसमें एक्सटर्नल फ्यूल टैंक दिया गया है, मतलब कि इसमें फ्यूल डलवाने के लिए आपको सीट से उतरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और फ्यूल भरने के बाद खुद पेट्रोल पंप वाला बंदा इसको बंद कर देगा और ये मेन की स्विच से इजिली ओपन हो जाता है। और अगर मैं इन दोनों ही स्कूटर के राइट साइड के डिज़ाइन की बात करूँ तो जो ये 125 सीसी वाला स्कूटर है इसके साइलेंसर को एक राउंड शेप दी गई है, वहीं 110 सीसी वाले स्कूटर के साइलेंसर के डिज़ाइन को थोड़ा शार्प एजेस दिए गए हैं। दूसरा, 110 सीसी वाले स्कूटर पे जो मेस्ट्रो की बैजिंग है वो बड़े बड़े स्टिकर्स के साथ दी गई है, और वहीं 125 सीसी वाले स्कूटर पर आपको 3D बैजिंग दी गई है बिना किसी स्टिकर्स के साथ। मेस्ट्रो एज 110 हो या 125, मुझे जो इन दोनों स्कूटर का जो सबसे इंटरेस्टिंग फीचर लगता है वो है इनका ये की स्विच। बेसिकली ये एक मल्टी की स्विच है,
इसके ऑन करने पर इसका इग्निशन ऑन हो जाता है और की को राइट साइड की ओर घुमाने पर इसका फ्यूल टैंक ओपन हो जाता है। और अगर आप की को थोड़ा सा अंदर की ओर पुश करके लेफ्ट साइड की ओर घुमाते हो तो इसकी सीट ओपन हो जाती है और इसकी सीट के नीचे अच्छा खासा स्पेस है और इसमें एक लाइट भी दी गई है जो कि सीट के ओपन होते ही ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। और इसकी सीट के नीचे आपको इतना स्पेस मिल जाता है कि आप इसमें आराम से अपना हेलमेट रख सकते हैं और हेलमेट रखने के बाद आप 1 लीटर की बोतल भी रख सकते हैं। और जो आपको हीरो इसके साथ एक जो टूल किट देता है इसको रखने की भी इसमें एक अलग सी आपको जगह दी गई है। और जो आपको इसके साथ एक छोटी सी जो फर्स्ट एड किट मिलती है इसको भी आप इसमें आराम से रख सकते हैं। और जो आपके स्कूटर्स के जो भी पेपर्स होंगे उनको भी आप उसके में रखने की एक जगह मिलेगी और उनको रखने के बाद आराम से आप ये 1 लीटर की बोतल रख के इसकी सीट आराम से बंद हो जाती है। और अब मैं आपको इसी स्कूटर पर बैठकर भी दिखा देता हूँ कि इस स्कूटर पर बैठने के बाद आपको कितना लेग रूम मिलता है और इसकी सीट आपके लिए कितनी कम्फर्टेबल होने वाली है। और जैसा कि अब मैं इस स्कूटर पर बैठ चुका हूँ और आगे हेलमेट रखने के बाद भी मुझे अपने लेग रखने के लिए काफ़ी स्पेस मिल गया है और इसकी सीट भी काफ़ी ब्रॉड है। और अगर आपकी हाइट मेरे से थोड़ी कम है तो आपको इस पर और बेटर थाई सपोर्ट मिल पाएगी। और अब तक बातें बहुत हो गई हैं और अब इस स्कूटर को चला करके देखते हैं। और जैसा कि मैं हमेशा ही अपनी सभी वीडियोस में बोलता आ रहा हूं कि कोई भी टू व्हीलर को चलाने से पहले आप हेलमेट को ज़रूर पहनिए, ये आपकी सेफ्टी के लिए है। और इसको चलाते हुए सबसे पहले मैं आपको इसके इंजन के बारे में बता दूं तो जो इसका 110 सीसी वाला इंजन है वो 8 bhp की पावर और 8.75 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकालता है। और जो ये मैं 125 सीसी वाला स्कूटर चला रहा हूँ ये 9 bhp की पावर और 10.4 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकालता है। और स्कूटर को चलाते हुए मुझे कहीं पर भी पावर लैग फील नहीं हुआ और ना ही ऐसा लगा कि मुझे कहीं पर एकदम से पंच मिल रहा हो। और ये स्कूटर चलाने में काफ़ी स्मूथ है और एक लीनियर वे में पावर डिलीवर करता है। एक्सेलरेशन की बात करूँ तो मुझे इसका एक्सेलरेशन एक 125 सीसी स्कूटर के हिसाब से डिसेंट लगा है। ये स्कूटर 60-70 की स्पीड तो आराम से पकड़ लेता है। और इसके इंजन की सबसे खास बात, इस स्कूटर में आपको कहीं पर भी कोई भी वाइब्रेशन फील नहीं होगी। मैं कह सकता हूँ कि इस स्कूटर में जीरो वाइब्रेशन है और इसमें वो फन टू ड्राइव वाला फैक्टर है। हैंडलिंग और स्टेबिलिटी टेस्ट करने के लिए मैं इस स्कूटर को काफ़ी जिगजैग वे में चलाने की कोशिश की और इसकी हैंडलिंग ने मुझे काफ़ी इंप्रेस किया है। और कॉर्नर्स पर भी ये स्कूटर स्टेबल होता है और हैंडलिंग और स्टेबिलिटी के मामले में ये स्कूटर तारीफ के लायक है। और ब्रेकिंग टेस्ट करने के लिए मैं इस स्कूटर को अबव 60 की स्पीड पर एकदम से ब्रेक्स लिए और मैंने टेस्ट करने के लिए ओनली इसके पिछले ब्रेक्स का यूज़ किया। और आप देख सकते हैं इसका ब्रेकिंग डिस्टेंस भी कोई ज़्यादा नहीं है और व्हील्स लॉक हुए हैं, बट इसके व्हील्स ज़रा से भी अपनी लाइन से भटके नहीं हैं और ना ही स्लिप हुए हैं। बट जनरली स्कूटर स्लिप्स कर जाते हैं और मैंने भी यही एक्सपेक्ट किया था कि इसका रियर व्हील स्लिप कर जाएगा, बट मैं खुद इसके ब्रेकिंग से सरप्राइज हूँ। और जैसा कि इसके फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया गया है तो वो कैसा काम करता है ये टेस्ट करने के लिए मैं इस स्कूटर को थोड़ा सा उबड़ खबड़ फील्ड में लेके गया। और आप भी देख सकते हैं इसका जो सस्पेंशन है वो थोड़ा सा हार्डर साइड है और इस पर आपको बम्प फील होंगे। और ये सभी स्कूटर्स के साथ है क्योंकि स्कूटर्स में इतना स्पेस नहीं होता है कि सस्पेंशन को एडजस्ट होने के लिए स्पेस मिल जाए। और सिटी के हिसाब से इसके सस्पेंशन में कोई इशू नहीं है, बट मैं आपको इसे उबड़ खाबड़ रस्तों पर चलाने के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा। और जो एक स्कूटर को खरीदते हुए सबसे पहले कंसिडर किया जाता है वो है कंफर्ट और मोबिलिटी। और अब तक हर तरह से इस स्कूटर को चला करके टेस्ट करने के बाद मैं कह सकता हूँ कि ये सिटी ड्राइव में ये स्कूटर इन दोनों ही मामलों में खरा उतरता है, बट ज़्यादा खराब रस्तों पर ये स्कूटर उतना बेहतर कम्फर्ट नहीं दे पाएगा। और अगर मैं इन दोनों ही स्कूटर्स के वेरियंट्स और कीमत की बात करूँ तो 110 सीसी वाले स्कूटर में आपको बस एक ड्रम ब्रेक का ऑप्शन मिलता है जिसकी दिल्ली एक्स शोरूम कीमत लगभग 61,000 रुपये है। और वहीं 125 सीसी वाले स्कूटर में आपको दो वेरिएंट्स मिलते हैं, पहला ड्रम ब्रेक वाला जिसकी दिल्ली एक्स शोरूम कीमत लगभग 70,000 रुपये है और दूसरा फ्रंट डिस्क ब्रेक वाला जिसकी दिल्ली एक्स शोरूम कीमत लगभग 72,000 रुपये है। और अब इन दोनों स्कूटर्स की परफॉर्मेंस और कीमत को देखते हुए मुझे अगर इन दोनों स्कूटर्स पर अपना फाइनल वर्डिक्ट देना हो कि मुझे ये स्कूटर्स चलाने में कैसे लगे हैं और किस तरह के कस्टमर्स को ये स्कूटर कंसिडर करने चाहिए, सो दोनों स्कूटर्स डिज़ाइन, हैंडलिंग, स्टेबिलिटी, ब्रेकिंग, कंफर्ट के मामले में सिमिलर ही हैं और अच्छा परफॉर्म करते हैं। और सिटी में चलाने के लिए ये दोनों स्कूटर मुझे बेहतरीन फैमिली स्कूटर लगे हैं जो कि सारी ज़रूरतें पूरी भी करते हैं और इनको कोई भी बड़े ही आराम से ड्राइव कर सकता है। और ये स्कूटर माइलेज भी अच्छा दे देते हैं और इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं आती। सो एज ए फैमिली स्कूटर तो मैं आपको ये स्कूटर रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार इसे चला करके ज़रूर देखिए। और अगर आप कंफ्यूज हैं कि 110 सीसी वाला ले या 125 सीसी वाला, तो देखिए अगर आपके लिए माइलेज ज़्यादा मैटर करता है देन आप 110 सीसी वाला स्कूटर कंसिडर करें और वो थोड़ा सस्ता भी पड़ता है। और अगर आपको थोड़ी सी परफॉर्मेंस ज़्यादा चाहिए तो आप 125 सीसी वाला स्कूटर कंसिडर करें, उसमें आपको एडिशनल DRLs और ISS टेक्नोलॉजी और डिस्क ब्रेक भी दिए जा रहे हैं, बट 125 सीसी वाले स्कूटर में आपको हल्का सा माइलेज कम मिलेगा
110 सीसी वाले के मुकाबले और कीमत भी ज़्यादा चुकानी पड़ेगी। कलर ऑप्शंस की बात करो तो जो 110 सीसी वाला स्कूटर है उसमें आपको 6 कलर ऑप्शंस मिलते हैं विद बॉडी ग्राफिक्स, वहीं 125 सीसी वाले में आपको 7 कलर ऑप्शंस मिलते हैं विदाउट एनी बॉडी ग्राफिक्स, और ये आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है कि आपको इनमें से कौन सा पसंद आए। और अगर आपको हीरो का मेस्ट्रोएज या फिर कोई भी हीरो की बाइक या स्कूटर खरीदना है और आप मुजफ्फरनगर के आसपास के एरिया से हैं तो आप विहान मोटर्स पर विजिट करिए। विहान मोटर्स के मुजफ्फरनगर में 2 शोरूम है, इन दोनों ही शोरूम्स का एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए और हमारे चैनल मोटर्स एंड मोर को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए। और अगर आपके मन में मेस्ट्रो 110 सीसी या फिर 125 सीसी से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप बेझिझक हमसे कमेंट में आस्क विशांत को मेंशन करते हुए पूछिए। हमारी कोशिश होती है कि आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई दिया जाए। और मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में।